नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप 40 प्रश्न में से 25 प्रश्न सही नहीं कर पाती हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार पुलिस की स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा, तो ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है मेरा वतन पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर है मेरा वतन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति? तो इसके राष्ट्रपति थे रामवरण यादव। कौन? रामवरण यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। तो कब निर्गत किया गया था भारत में ट्रेजरी बिल? तो ये निर्गत किया गया था 1917 में। कब? 1917 में भारत में सर्वप्रथम ट्रेजरी बिल निर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो किस तिथि को दिया था जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का आदेश? तो ये दिया था 22 दिसंबर 1939 को। कब? 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूराक्षी शहर कहाँ है? तो कहाँ पर है मयूराक्षी शहर, ये आपको बताना है। तो जो मयूराक्षी शहर है ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है झेलम की सहायक नदी। किसकी? झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो कौन देता है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता? तो ये देता है निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो क्या है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम? तो इसका भौगोलिक नाम है मकराना तट। कौन सा है? मकराना तट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक थे पीटर पायर। कौन? पीटर पायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो किसने की थी सीमेंट की खोज, ये आपको बताना है। तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ एस्पडीन ने। किसने? जोसेफ एस्पडीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बक्सा बाग परियोजना, ये आपको बताना है। तो किस राज्य में स्थित है बक्सा बाग परियोजना? तो ये बक्सा बाग जो परियोजना है ये स्थित है भारत के पश्चिम बंगाल में। किस में है? भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? तो किस एसिड के कारण दही में खट्टापन होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके? लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो कौन सा है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, तो ये है बांस। कौन सा है बांस है ये संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांस को घास की श्रेणी में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपके सामने कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं। तो कितने वाचन होते हैं, तो इसके वाचन होते हैं तीन। कितने तीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने प्राकलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। तो किससे चुने जाते हैं प्राकलन समिति के सदस्य, तो ये चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। किससे, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राकलन समिति के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था, तो कौन था पहला ब्लैक कलाकार जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था, तो ये था सिडनी पोर्टियर। कौन, सिडनी पोर्टियर पहला ब्लैक कलाकार था जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था भारत में पहला इस्लामिक बैंक, तो ये स्थापित किया गया था कोच्चि में। कहाँ, कोच्चि में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ था रेशम का प्रचलन, तो ये हुआ था चीन में। कहाँ, चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया। तो कहाँ प्रारंभ किया गया था रोजगार गारंटी योजना को सबसे पहले, तो ये प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो किस शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन, ये आपको बताना है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कितने में, 13 में है कलिंग युद्ध का वर्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था। तो किसने किया था 40 गुलामों के दल का विनाश, तो इसका विनाश किया था बलबन ने। किसने, बलबन ने किया था 40 गुलामों के दल का विनाश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अकबर का शिक्षक कौन था। तो कौन था अकबर का शिक्षक, तो अकबर के शिक्षक का नाम था मीर अब्दुल लतीफ। क्या था, मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की। तो किसने की थी वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले, तो ये की थी अरस्तु ने। किसने, अरस्तु ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा, तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। किससे, उत्तराखंड से संबंधित है चार धाम यात्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था। तो किसे कहा गया था बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून, तो ये कहा गया था रॉलेट एक्ट को। किसे, और रॉलेट एक्ट को कहा गया था जो 1919 में आया था सर जेम्स फोर्ड के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को, तो इसे कहा जाता है एक्टिनोमीटर। क्या, एक्टिनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था, तो किसने लिखा था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को, तो इसे लिखा था हरिशेड ने। किसने, हरिशेड ने लिखा था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो किस शासक को कहा जाता है मनियारों का राजकुमार, तो मनियारों के राजकुमार से जाना जाता है
मोहम्मद बिन तुगलक कौन जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को मन्यारों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो कौन कौन सी चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण, ये आपको बताना है। तो किससे हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान है। किससे? बेसाल्टिक चट्टान से महासागरों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है धातुओं का राजा? तो कौन के सोना है? सोना, इसे धातुओं का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है बलूचिस्तान क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो जो बलूचिस्तान क्षेत्र है ये स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो जब बंग भंग आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो कौन थे मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता? तो ये नेता थे सुब्रमण्यम अय्यर। कौन? सुब्रमण्यम अय्यर, ये मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो किसने किया था प्रक्षेपास्त्र का विकास? तो इसका विकास किया था बर्नस बान ब्रान ने। किसने? बर्नस बान ब्रान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज, इसको आपको नाम बताना है। तो ये है मैक्स MECX, ये सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किस तत्व का प्रयोग किया जाता है सौर सेल को बनाने में, ये आपको बताना है। तो सौर सेल को बनाने में किया जाता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है पीपुल्स डेली समाचार पत्र? तो ये संबंधित है चीन से। किससे है? चीन से ये संबंधित है पीपुल्स डेली समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक है RK नारायण। कौन है? RK नारायण वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 39 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल के प्रति आपकी क्या राय वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।